हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन ई पाठशाला चैनल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉयल मैकेनिक्स के मीडियम लेवल के एमसीक्यूज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टेट पीएससी गेट एंड एसएससी एस जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमने तीन लेवल में डिवाइड किया है बेसिक लेवल मीडियम लेवल एंड हाई लेवल ये तीन लेवल है इन तीन लेवल में हमने सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं सारे टॉपिक से टोटल हम थाउजेंड प्लस क्वेश्चंस करेंगे तीनों लेवल मिलाकर इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फोर्टी थ्री से फिफ्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स ऑफ अल इज़ रिपोर्टेड एज ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो उसको हम क्या रिपोर्ट करेंगे ऑप्शन ए अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द सैम्पल मैग्नीट्यूड ड्रॉपिंग दी नेगेटिव साइन ऑप्शन बी जीरो सी नेगेटिव वैल्यू एज जी में भी नेगेटिव जीआई आई इस रिपोर्टेड एस नो एग्जिस्टेंड ग्रुप इंडेक्स सॉइल की प्रॉपर्टी है ग्रुप इंडेक्स का हम फॉर्मूला देख लेते हैं ग्रुप इंडेक्स इक्व टू जीरो पॉइंट टू ए प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव ए सी प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन बी डी फार्मूला होता है ग्रुप इंडेक्स निकालने का एक न्यूमेरिकल भी आएगा इसलिए फार्मूला आप नोट कर लो यहाँ पर ए पी माइनस थर्टी फाइव है पी का मतलब है परसेंटेज फाइनर देन फाइनर देन सेवेंटी फाइव माइक्रॉन सेवेंटी फाइव माइक्रोन से जो पार्टिकल्स फाइनर होंगे उनका परसेंटेज कितना है फाइल में वो है पी तो पी माइनस थर्टी फाइव होगा ए ए की वैल्यू नॉट ग्रेटर देन फोटी मतलब ए की वैल्यू चालीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बी इक्वल्स टू पी माइनस फिफ्टीन इज़ नॉट ग्रेटर देन फोर्टी बी भी क्या हो जाएगा पी माइनस फिफ्टीन पी यहाँ पर सेम वही मीनिंग है परसेंटेज फाइनर देन सेवेंटी फाइव माइक्रोन और इसकी व्यूली चालीस से ज़्यादा नहीं होगी सी इक्वल टू लिक्विड लिमिट या वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस फोर्टी डब्ल्यू एल क्या है वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट या इसको हम लिखेंगे लिक्विड लिमिट लिक्विड लिमिट ये ट्वेंटी से ज़्यादा नहीं होगा जो सी है सी इज़ नॉट ग्रेटर देन ट्वेंटी डी इक्वल टू आई पी माइनस टेन और आई पी यहाँ पर क्या है प्लास्टिसिटी इंडेक्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डी की वैल्यू भी ट्वेंटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो हमने फार्मूला देख लिया ग्रुप इंडेक्स का और उनमें जो टर्म दिए गए उनकी मीनिंग्स देख लिए यदि किसी भी टर्म की ए बी सी एंड डी किसी भी टर्म की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे उसको हम कंसिडर नहीं करते फार्मूला में मान लो यदि ए की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम ये वाला भी टर्म नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे तो ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा पॉइंट जीरो वन बी डी ठीक है इस तरीके से ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला होगा ग्रुप इंडेक्स की रेंज होती है ज़ीरो टू ट्वेंटी ग्रुप इंडेक्स इसकी रेंज होगी मिनिमम ज़ीरो मैक्सिमम ट्वेंटी यदि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और अगर नेगेटिव आ जाती है जैसे हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स में करते थे यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उसको रिपोर्ट क्या करते थे ज़ीरो इसी प्रकार यहाँ पर यदि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम रिपोर्ट करेंगे ज़ीरो तो ऑप्शन यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा फोर्टी थ्री का बी ऑप्शन बी इज करेक्ट ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होगी सॉइल सबग्रेड के लिए उतनी ही अच्छी होगी सबग्रेड के लिए सॉइल अच्छी होगी कब जब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जीरो है या कम है और मैक्सिमम कितनी है ट्वेंटी है तो ट्वेंटी यदि होगी तो वो मटेरियल या वह सॉइल पुअर होगी सब ग्रेड के लिए ठीक है तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपको मिलेंगे इसी वीडियो में ग्रुप इंडेक्स से रिलेटेड तो हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया ग्रुप इंडेक्स को क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट वन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर अ सॉइल कैन बी टेकन एज स्टेटमेंट सेकेंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर अ सॉइल इज ट्वेंटी विश ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट बोथ वन ओनली टू ओनली नाइदर वन नॉर टू अभी हमने लास्ट में देखा ग्रुप इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू होती है जीरो और मैक्सिमम होती है ट्वेंटी तो ग्रुप इंडेक्स जीरो से ट्वेंटी तक हो सकती है ठीक है तो यही यहाँ पर दिया हुआ मिनिमम जीरो मैक्सिमम ट्वेंटी तो दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे करेक्ट होंगे ऑप्शन ए बोथ इस्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है करेक्ट की जगह इनकरेक्ट होगा लिखा हुआ तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पर इनकरेक्ट भी लिखा रहता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इफ़ द प्रोपरसन ऑफ सॉइल पासिंग सेवेंटी फाइव माइक्रोन सीव इज फिफ्टी परसेंट एंड द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट आर फोर्टी परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट रिस्पेक्टिवली देन दी ग्रुप इंडेक्स ऑफ दॉइल इज क्वेश्चन में आपको सेवेंटी फाइव माइक्रोन सीव से जो पासिंग सॉइल है उसका परसेंटेज कितना है फिफ्टी परसेंट तो आपको पी दिया हुआ कितना फिफ्टी परसेंट लिक्विड लिमिट फोर्टी परसेंट और प्लास्टिक लिमिट है ट्वेंटी परसेंट यह आपको गिवन है प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम निकालेंगे फार्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट फोटी माइनस ट्वेंटी ये होगा ट्वेंटी फार्मूला हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था इस वीडियो में ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है पॉइंट टू ए प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव ए सी प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन बी डी ए निकाल लेते हैं फिफ्टी माइनस पी फिफ्टी माइनस पी की वैल्यू कितनी 50 फिफ्टी तो ये कितनी होगी सॉरी इसमें क्या आएगा फॉर्मूला ये है पी माइनस थर्टी फाइव है तो पी तो कितना है फिफ्टी माइनस थर्टी फाइव तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन और एक की वैल्यू नॉट ग्रेटर देन फोर्टी मतलब चालीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो फिफ्टीन क्या है चालीस से कम है बी पी माइनस फिफ्टीन पी है फिफ्टी माइनस फिफ्टीन तो ये होगा थर्टी फाइव और ये भी क्या चालीस से कम है लेस देन फोर्टी सी लिक्विड लिमिट वाटर कंटेन लिक्विड लिमिट माइनस फोर्टी फोर्टी माइनस फोर्टी लिक्विड लिमिट कितनी चालीस है ये होगी जीरो डी प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस टेन ट्वेंटी माइनस टेन ये कितना होगा टेन तो ये भी ट्वेंटी से कम है तो ये हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकाल ली है सभी पॉजिटिव है और सी की वैल्यू कितनी है ज़ीरो है तो ग्रुप इंडेक्स में हम फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं पॉइंट टू इंटू ए ए कितना है फिफ्टीन प्लस अब ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा सी वाला क्योंकि सी की वैल्यू जीरो है तो लास्ट में क्या होगा पॉइंट ज़ीरो वन बी इंटू डी बी है फोर्टी बी है थर्टी फाइव इंटू डी कितना है टेन तो ग्रुप इंडेक्स यहाँ से कितनी हो जाएगी ये हो जाएगा थ्री प्लस थ्री पॉइंट फाइव दोनों को ऐड करें कितना होगा सिक्स पॉइंट फाइव तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू होगी सिक्स पॉइंट फाइव ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ऑप्शन बी इज करेक्ट यदि आपको ग्रुप इंडेक्स की रेंज पता है जीरो से ट्वेंटी तो यहाँ पर आप दो ऑप्शन तो हटा सकते ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये ऑप्शन नहीं होंगे करेक्ट ऑप्शन ए या बी में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अ वेल ग्रेडेड सेंड शुड हैव वेल ग्रेडेड सेंड शुड हैव स्टेटमेंट वन यूनिफॉर्मिटी कॉपिशंट ग्रेटर देन सिक्स स्टेटमेंट सेकेंड कोपिशेंट ऑफ कर्वेचर बिटवीन वन एंड थ्री स्टेटमेंट थर्ड क्या है इफेक्टिव साइज ग्रेटर देन वन एम एम ये टॉपिक हमने बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन किए उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है यूनिफॉर्मिटी कॉपिशंट वेल ग्रेडेड सेंड के लिए कितना होता है ग्रेटर देन सिक्स वेल ग्रेडिड सेंड के लिए कॉपिशन टॉप यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन सिक्स और कॉपिशन टॉप कर्वेशर वन से थ्री वेल ग्रेडेड ग्रेवल उसके लिए कॉपिशन टॉप यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन फोर एंड कॉपिशन टॉप कर्वेशर वन टू थ्री यदि यह वैल्यू है तो वेल ग्रेडेड सेंड होगी और वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगी तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टेटमेंट वन एंड टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन एन इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ऑप्शन ए एस एम सी एच एम आई एंड ऑप्शन डी एम एच फाइन साइल फाइन सॉइल मतलब सेवेंटी फाइव माइक्रोन से जो लेस देन है फाइन सॉइल आर सब क्लासीफाइड इन थ्री कैटेगरीज तीन कैटेगरीज में इसको सब क्लासीफाई किया गया है फर्स्ट यदि लिक्विड लिमिट लिक्विड लिमिट लेस देन थर्टी फाइव परसेंट है फाइन सॉइल की लिक्विड लिमिट थर्टी फाइव परसेंट से कम है तो उसको हम कहेंगे लो प्लास्टिक सॉइल या लो कंप्रेसिबल लो प्लास्टिक या हम उसको तो कहेंगे लो कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल सॉइल नेक्स्ट लिक्विड लिमिट थर्टी फाइव टू फिफ्टी परसेंट है उस सॉइल को हम कहेंगे इंटरमीडिएट या मीडियम कंप्रेसिबल मीडियम और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल या प्लास्टिक कंप्रेसिबल और प्लास्टिक सॉइल लिक्विड लिमिट की बोली थर्टी फाइव से फिफ्टी परसेंट सॉइल कहलाएगी मीडियम और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल थर्ड लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन फिफ्टी है तो उस सॉइल को हम कहेंगे हाई कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल और प्लास्टिक सॉइल तो तीन कैटेगरी है सॉइल की लिक्विड लिमिट थर्टी फाइव थर्टी फाइव से फिफ्टी एंड ग्रेटर देन फिफ्टी अब फाइन ग्रेन सॉइल में एक सॉइल होगी सिल्ट सिल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एम से नेक्स्ट क्ले क्ले को रिप्रेजेंट करते हैं सी से और एक सॉइल होगी ऑर्गेनिक क्ले ऑर्गेनिक क्ले इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ से तो ये तीन सॉइल है फाइन सॉइल ठीक है अब देखते हैं ऑप्शन डी से हम स्टार्ट करते हैं लास्ट ऑप्शन एम एच अब एम एच को हम पढ़ेंगे कैसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं एच की मीनिंग यहां पर हो जाएगी हाई कंप्रेसिबल हाई कंप्रेसिबल और एम का मतलब क्या होगा ये हमने देखा अभी सिल्ट हाई कंप्रेसिबल सील्ट ठीक है तो एम को हम कैसे पढ़ेंगे हाई कंप्रेसिबल सील्ट और हाई कंप्रेसिबल सील्ट का सिंबल क्या हो जाएगा एम नेक्स्ट एम आई एम आई का मतलब क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सील्ट या इंटरमीडिएट प्लास्टिक सिल्ड सी एच का मतलब होगा हाई प्लास्टिक क्ले नेक्स्ट ऑप्शन ए एस एम एस का मतलब होता है सेंड सेंड का सिंबल होगा एस और ग्रेवल का होता है जी एस एम तो यहाँ पर सेंड कोर्स ग्रेन सॉइल है तो उसको हम प्लास्टिक या कंप्रेसिबल नहीं लिखेंगे इसको सिंपल हम क्या लिख देंगे एम का मतलब सिल्ट होगा एस का मतलब सेंड तो सिल्टी सेंड सिल्टी सेंड अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन ऑर्गेनिक क्ले क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी तो ये क्या हो जाएगा सी एच हाई कंप्रेसिबिलिटी के लिए एच और क्ले के लिए सी ये इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक होती तो ओ आता क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकेंड फर्स्ट लिस्ट में सॉइल और सेकेंड में ग्रुप सिंबल दिया गया है एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोर्स गिवन द बिलो लिस्ट लिस्ट वन में क्ले ग्रेवल क्ले सेंड ऑर्गेनिक क्ले एंड सिल्टी सेंड लिस्ट सेकेंड एस एम ओ एच एस सी एंड जी सी एस एम से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लिस्ट लिस्ट सेकेंड में जो फर्स्ट दिया गया है एस एम अब सिंबल को हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से लास्ट से एम का मतलब क्या हो जाएगा सिल्टी एंड एस का मतलब सेंड तो ये हो जाएगा सिल्टी सेंड डी के लिए क्या होगा वन ओ एच एच का मतलब होगा हाई और ओ का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनिक तो हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले तो यहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिक क्ले लिखा हुआ तो वो ऑप्शन हम टिक करेंगे सी के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड एस सी लास्ट से हम देखेंगे लास्ट में सी है सी का मतलब क्ले और एस का मतलब सेंड क्ले सेंड तो बी के लिए क्या होगा थर्ड और ए की लिख के हो जाएगा फोर्थ जी सी का मतलब सी का मतलब क्ले और जी का मतलब ग्रेवल फोर थ्री टू वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट ऑप्शन सी इज करेक्ट सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट इसमें भी दो लिस्ट हैं पहली लिस्ट में सॉइल क्लासिफिकेशन सिंबल और सेकेंड में सॉइल की प्रॉपर्टी है एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग दी कोर्ट्स गिवन द ब्लू लिस्ट जी डब्ल्यू एस डब्ल्यू एम एल एंड सी एल सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कॉपिशंट ग्रेटर दैन सिक्स सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कॉपिशंट ग्रेटर दैन फोर सॉइल हैव लो प्लास्टिसिटी एंड सॉइल हैव लो कंप्रेसिबिलिटी पहले तो ये सिम्बॉल को देख लेते हैं जी डब्ल्यू का मतलब होता है यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा वेल ग्रेडिड तो लास्ट में डब्ल्यू दिया गया तो वेल ग्रेडेड एंड जी का मतलब होगा ग्रेवल वेल ग्रेडेड ग्रेवल सिंबल क्या हो जाएगा डब्ल्यू जी डब्ल्यू ठीक है एस डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा वेल ग्रेडेड सैंड वेल ग्रेडेड सैंड का सिंबल क्या होगा एस डब्ल्यू एम एल एल का मतलब लो कंप्रेसिबल या लो प्लास्टिक एम का मतलब सिल्ड लो प्लास्टिक सिल्ड और सी एल का मतलब हो जाएगा लो प्लास्टिक क्ले तो वेल well ग्रेडेड के लिए उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है यूनिफॉर्मिटी कॉपिशंट ग्रेटर देन फोर होना चाहिए तो ए के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा टू बी के लिए वेल ग्रेडेड सेंड के लिए कॉपिशंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन सिक्स होना चाहिए पी के लिए वन अब सी और डी के लिए हम देख लेते हैं तो एम एल का मतलब हो जाएगा सॉइल हैव लो प्लास्टिसिटी सी के लिए क्या हो जाएगा थ्री और सी एल का मतलब होगा सॉइल हैव लो कंप्रेसिबिलिटी तो फोर्थ यहां पर सॉइल की जगह सिल्ट होना था और ये क्ले होना था तो ऑप्शन क्या हो जाता करेक्ट टू वन थ्री फोर क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन ऑप्शन बी इज करेक्ट टू वन थ्री फोर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इसमें भी दो लिस्ट है पहली लिस्ट में सिंबल सेकेंड में सॉइल लिस्ट वन में एम एल एस एम पी टी एन एम एच लिस्ट सेकेंड सिल्टी सेंड इन ऑर्गेनिक सिल्ट विथ लार्ज कंप्रेसिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सिल्ड विथ स्मॉल कम्प्रेसिबिलिटी सॉइल विथ हाई ऑर्गेनिक कंटेंट विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी एम एल का मतलब होता है लो कंप्रेसिबल सिल्ड ठीक है और सील्ड क्या होती है इन ऑर्गेनिक सॉइल तो इन ऑर्गेनिक सिल्ड विथ स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी या लो कम्प्रेसिबिलिटी या लो प्लास्टिसिटी तो ए के लिए क्या हो जाएगा थ्री एस एम एस एम का हमने देखा सिल्ट सेंड सिल्टी सेंड बी के लिए वन ऑप्शन सी पी टी पी टी का मतलब होता है सॉइल ऑर्गेनिक साइल ठीक है पीट सॉइल है तो पीट सॉइल को पी टी से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर एक ऑर्गेनिक सॉइल है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है ज़्यादा है सॉइल विथ हाई ऑर्गेनिक कंटेंट विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी क्योंकि ऑर्गेनिक साइल को ज़्यादा कंप्रेसिबल किया जा सकता है ऑप्शन क्या हो जाएगा सी के लिए फोर और डी एम एच लास्ट से देखेंगे एच का मतलब हो जाएगा हाई और एम का मतलब होगा लेल्ट uh, और सिल्ट इनआर्गेनिक है तो इन ऑर्गेनिक सिल्ट विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी या लार्ज कंप्रेसिबिलिटी या हाई प्लास्टिसिटी डी के लिए होगा टू थ्री वन फोर टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरियाज ऑफ द गिवन सॉइल सरफेस एरियाज का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है करेक्ट क्या होगा तो पार्टिकल का साइज का हम देख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम कहेंगे कोलाइट्स इससे बड़े होंगे क्ले इससे बड़े पार्टिकल्स होंगे सिल्ट सिल्ट से बड़े होंगे सैंड सैंड के पार्टिकल का साइज बड़ा होगा सेंड से बड़े पार्टिकल्स होंगे ग्रेवल ग्रेवल से बड़े कौन से होंगे कोबल्स और कोबल से भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं बोल्डर के पार्टिकल का साइज इंक्रीज़ होगा तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होता है ठीक है सरफेस एरिया उतना ही कम होगा जितना पार्टिकल साइज़ बड़ा होगा तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किसका होगा उस पार्टिकल्स का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा जिस पार्टिकल्स का साइज सबसे कम है तो सबसे कम किसका है कोलाइट्स फिर क्ले तो क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है सरफेस एरिया का तो देख लेते हैं सीक्वेंस क्ले सिल्ट सेंड कोलाइट्स तो ये सेंड बीच में आ गई है सेंड बीच में नहीं होना चाहिए या तो क्योंकि इसका जो साइज है वो सिल्ट और क्ले से बड़ा है और कोलाइट से भी बड़ा है एक सीक्वेंस होना चाहिए यदि आपको ये पता नहीं है कि जो सरफेस एरिया है वो साइज के साथ कम होता है तो आप सिक्वेंस देख के भी यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो समझ सकते हो ऑप्शन बी में ग्रेवल ग्रेवल से छोटे पार्टिकल सिल्ट सिल्ट से फिर क्ले होना चाहिए तो ये कोलाइट्स आ गए ये भी इनकरेक्ट होगा ऑप्शन सी सेंड सिल्ट क्ले कोलाइट्स ये सीक्वेंस करेक्ट है सबसे बड़ा साइज इसमें सेंड का है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा उससे छोटे पार्टिकल्स होंगे क्ले के उससे छोटे पार्टिकल्स होंगे क्ले सॉरी सिल्ट क्ले और सबसे छोटे पार्टिकल्स कोलाइट्स तो सरफेस एरिया कोलाइट्स का सबसे ज़्यादा होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट है ऑप्शन डी सिल्ट ग्रेवल कोलाइट्स एंड क्ले तो ये भी करेक्ट सिक्वेंस नहीं है जो ग्रेवल है उनके पार्टिकल सबसे बड़े होंगे तो पहले ग्रेवल होना चाहिए नेक्स्ट पे सिल्ड, फिर क्ले और उसके बाद कोलाइट्स होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू प्लास्टिसिटी चार्ट बाय कासा ग्रांडेड टू क्लासिफाई फाइन ग्रेन सॉइल इज शोन इन फिगर द एरिया मार्क्ड पी रिप्रेजेंट्स ठीक है तो प्लास्टिसिटी चार्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है वो कासा ग्रांडेड द्वारा क्लासिफाई किया गया है फाइन ग्रैन सॉइल के लिए जिसमें कि एक्स एक्सिस पर लिक्विड लिमिट है और वाई एक्सिस पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये जो एरिया है पी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा तो एक लाइन होती है यहाँ पर कासा ग्रांडेड चार्ट में जिसको हम ए लाइन कहते हैं लिक्विड लिमिट ट्वेंटी थर्टी फाइव और फिफ्टी तो हमने तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया था फाइन ग्रेन सॉइल को थर्टी फाइव से लिक्विड लिमिट कम है तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थर्टी फाइव से फिफ्टी है तो सेकेंड क्लासिफिकेशन और ये थर्ड क्लासिफिकेशन था यदि लिक्विड लिमिट पचास परसेंट से ज़्यादा है ये लो कंप्रेसिबल सॉइल मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल और हाई कंप्रेसिबल सॉइल ये हम देख चुके हैं अब क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो पी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है तो इस ए लाइन के ऊपर जो है वो क्ले और ए लाइन के जो नीचे है वो होती सिल्ड सिल्ड एंड ऑर्गेनिक क्ले ऑर्गेनिक क्ले ठीक है इतना नोट कर लो ए लाइन के जो ऊपर होगी उसको हम क्ले कहेंगे और नीचे जो होगी वो सिल्ड एंड ऑर्गेनिक क्ले उसके बाद हम चेक करते हैं पहले तो हम चेक कर लेंगे कि इसके लाइन के ऊपर है या नीचे तो ए लाइन के ऊपर है तो अब ये क्ले होगी अब क्ले में भी तीन कैटेगरी होगी पहली लो कंप्रेसिबल सेकेंड मीडियम कंप्रेसिबल या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल और थर्ड है हाई कंप्रेसिबल तब तो हमें ये चेक करना है कि जो पी है वो कौन सी रेंज में है लिक्विड लिमिट फिफ्टी से ज़्यादा है तो ये पी का मतलब हो जाएगा हाई कंप्रेसिबल क्ले ऑप्शन ए क्या है इनऑर्गेनिक क्लेस ऑफ हाई प्लास्टिसिटी तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा हाई प्लास्टिसिटी है और क्ले है इनऑर्गेनिक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट होगा ठीक है यहाँ पर हम देख लेते हैं और भी सॉइल के नाम क्या होंगे ए लाइन के ऊपर क्ले है तो यहाँ पर यदि सॉइल होगी तो क्ले और ये लो कंप्रेसिबल क्ले होगी यहाँ पर होगी इंटरमीडिएट क्ले सी आई और ये सी एच यहाँ पर एम एच और ओ एच हाई प्लास्टिक सिल्ट एंड हाई प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले एम आई और ओ आई और ये सॉइल होगी एम एल और ओ एल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट ऑफ फोर्टी and lies above the A line. When plotted on plasticity chart, the group symbol of the soil as per IS soil classification is. ठीक है तो उस चार्ट से आपको बताना है लिक्विड लिमिट चार फोर्टी फाइव परसेंट है और वो लाइन ए लाइन के ऊपर है ठीक है फोर्टी फाइव परसेंट मतलब थर्टी फाइव से फिफ्टी के बीच में होगा और ए लाइन के ऊपर है तो सिम्बॉल क्या हो जाएगा सी आई सिंपल होगा सी आई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ये चार्ट आपको याद रखना है थर्टी फाइव परसेंट एंड फिफ्टी परसेंट एक इससे कम होगा फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा वैल्यू होगी और इसके बीच में ये तीन रेंज है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फ्रेंड्स आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you for watching.